नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्लस टॉप अपडेट्स में। टॉप अपडेट्स के स्पॉन्सर्स हैं क्रिश्चियन नर्सिंग इंस्टीट्यूट ढालपुर कुल्लू। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेष निर्देश पर वीरवार को प्रदेश भर में करवाई गई मेगा मॉक ड्रिल के तहत कुल्लू जिला में भी भूकंप से बचाव व राहत कार्यों का व्यापक अभ्यास किया गया। मेगा मॉक ड्रिल के दौरान जिला मुख्यालय के घनी आबादी वाले क्षेत्र सुल्तानपुर के अलावा भुंतर स्थित कुल्लू मनाली हवाई अड्डे, उपमंडल मुख्यालय मनाली, बंजार और आनी के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी बचाव व राहत कार्यों को अंजाम दिया गया। जिला के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में भी मॉक ड्रिल की गई। मेगा मॉक ड्रिल में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस, होमगार्ड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सड़क संगठन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, NCC, नेहरू युवा केंद्र, स्थानीय निकायों, अन्य संस्थानों व संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इस दौरान थल सेना के कर्नल प्रवीण कुमार, मेजर सतीश और ITBP के डिप्टी कमांडेंट सुनील कुमार ने ऑब्जर्वर के रूप में तमाम गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। सरकार की योजना के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आपदा प्रबंधन का जो कार्यक्रम चल रहा है, इन्होंने तुरंत हमको जितने भी लोग हम दबे थे, दगे थे, चोटें लगी थी, और तुरंत आकर हॉस्पिटल वाले भी, फायर ब्रिगेड वाले भी, फर्स्ट एड वाले भी, जितने भी भाग थे सारे तुरंत इसी सुल्तानपुर में सारस पहुँच गए, और इन्होंने तुरंत हमें स्ट्रेचर पर उठाकर और फर्स्ट एड दिया और उसके तुरंत बाद हमको यहाँ हॉस्पिटल में लाए। हॉस्पिटल में हमारी सर्जरी हुई, हमारा ट्रीटमेंट हुआ, बड़े अच्छे डॉक्टरों ने हमको, सब डॉक्टरों ने टेकअप किया, और मेनली मुझे डॉक्टर भारद्वाज जी ने ट्रीट किया, और मैं बड़ा धन्यवादी हूँ सरकार का कि अच्छे इंतज़ाम, इतने अच्छे इंतज़ाम है कि काफ़ी लोगों को सर्वाइव किया गया और किसी को भी मरने नहीं दिया। जिसको भी ट्रीटमेंट जैसे जरूरत थी वैसे सबकी ट्रीटमेंट की गई, जिसकी हड्डी टूटी थी हड्डी के लिए उनको एडमिट किया गया, और जैसे मेरे पेट में लगी थी पेट के लिए इन्होंने ट्रीटमेंट किया, मेरा ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के बाद कुछ दिन मुझे रख के आज मुझे अपने घर भेज दिया। मैं सरकार का भी और प्रशासन का भी और DC साहब का भी और पुलिस विभाग का भी और ITBP विभाग का भी, सब विभागों का जिन्होंने ये कार्यक्रम किया हमारे लिए किया, उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद हूँ। जिस तरह से मेगा मॉक ड्रिल जो चला हुआ है, उस मेगा मॉक ड्रिल के तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे 5 डॉक्टर्स, 5 स्टाफ नर्सेस, 15 नर्सिंग स्टूडेंट्स क्लास 4, और जो हमारे NGOs हैं, ये सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो मेगा मॉक ड्रिल के तहत जिस तरह से जो भूकंप का रिक्टर स्केल है जो दर्शाया गया है, उसके हिसाब से यहाँ पे अभी हमारे पास तकरीबन कोई 15 के करीब कैजुअलिटीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, और 15 कैजुअलिटीज़ हमने हमारे स्वास्थ्य विभाग का हर कर्मचारी, स्टाफ नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर साहबान पूरी तरह जो है मुस्तैदी से पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। वन परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने की संभावना तलाशी जाएगी। अगर PPD मोड़ पर कोई संस्थान मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आगे आता है तो उसके लिए तुरंत जमीन उपलब्ध करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। यह जानकारी मंत्री ने वीरवार को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में CBNET मशीन का शुभारम्भ करने के उपरांत अस्पताल के प्रांगण में जनसभा को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस मशीन के माध्यम से TB के मरीजों के टेस्ट के लिए निःशुल्क सुविधा मिलेगी और TB के मरीजों का बेहतर इलाज संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में शीघ्र सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर MRI मशीन भी स्थापित की जाएगी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि अस्पताल में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को शीघ्र भरा जाएगा ताकि लोगों को इलाज के लिए जिला से बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। उन्होंने कहा कि बिजली महादेव रोपवे का निर्माण कार्य 1 साल के भीतर शुरू किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त भूगू जो टनल के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य धनेश्वरी ठाकुर, जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन, मंडल अध्यक्ष मनाली दुर्गा सिंह, मंडल अध्यक्ष कुल्लू विजेंद्र सेन, नगर परिषद उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 8 फरवरी का दिन
कुल्लू वासियों के लिए एक प्रसन्नता का दिन है। क्या आज हमारा टीबी की बीमारी है, जिसका समय रहते अगर पता ना चले या उपचार ना किया जाए तो फिर वो अत्यंत गंभीर रूप धारण करती है और जिसके कारण से तब इलाज करना संभव हो नहीं पाता। अभी आज यहाँ पर जो ये मशीन का जिसका हमने उद्घाटन किया है सीबी नाट, जिसके माध्यम से रोगी का जो थूक का टेस्ट है उसके कारण से इस बात की जानकारी मिल जाती है कि क्या रोग पहली स्टेज में या ये गंभीर रूप धारण कर गया है। और जब उसकी जानकारी मिलती है तो फिर उसका इलाज करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और इसलिए कि इस प्रकार की जो मशीन है हमारे पास यहाँ पर थी नहीं, और पहले कुल्लू के ऐसे मरीजों को मंडी जाना पड़ता था या ज़िले के प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में, तो इसलिए इसका लाभ मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा। और जो इसका जो इलाज है तो अगर किसी गरीब व्यक्ति को लग जाए या किसी को भी लग जाए तो बहुत महंगा इलाज होता है, फिर जो दवाई इत्यादि सबका सब वो भी फ्री में। और ये जो टेस्ट जो मुझे जानकारी भी दी है कि यदि हमको बाहर कहीं करना है कोई प्राइवेट लैब में तो 3,500 रुपये का टेस्ट होता है, तो यहाँ पर अस्पताल में हमारी सरकार के माध्यम से ये टेस्ट मुफ्त में किया जाएगा जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। गुरुवार को कुल्लू के ढालपुर मैदान में 3 दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। 3 दिन चले इस ओपन टूर्नामेंट में पुरुषों के सीनियर वर्ग में 10 टीमों, अंडर 19 वर्ग की 5 टीमें तथा महिला वर्ग की 2 टीमों ने भाग लिया। मेरा नाम विक्की कुमार है, मैं ओपन चैंपियनशिप बास्केटबॉल करा रहा हूँ 6 से लेकर 7-8 तक। इस लेवल में सभी टीमें आमंत्रण किया है, टीमों को सीनियर की 10 टीमें हैं, अंडर 19 5 टीमें हैं, गर्ल्स की 2 टीमें हैं। जो मैच मैं ओपन चैंपियनशिप बास्केटबॉल में कराऊँगी ये कॉलेज ग्राउंड के साथ में मैच है, ग्राउंड वहाँ पर मैच करा रहा हूँ मैं। इसके चीफ गेस्ट है हमारे पवन कुमार जी। मेरा नाम टेक राम है, मैं लोरन से हूँ और यहाँ पर हमारा 2 बजे मैच है बास्केटबॉल का सेमीफाइनल रुद्रा और बेंगा बॉयज। और मैं पिछले साल 2017 में यूनिवर्सिटी खेल के आया हूँ, वहाँ पे हमने 4 मैच जीते, 5वां आगे बस। वहाँ पे हम कॉलेज विनर भी है 2017 और 2015। द्वितीय टोगो अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन काठमांडू नेपाल में 11 से 15 फरवरी तक होने जा रहा है, जिसमें जिला कुल्लू से 5 बच्चों का चयन हुआ है। इस अवसर पर जिला कुल्लू की पुलिस अधीक्षक कुमारी शालिनी अग्निहोत्री ने सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद देकर विदाई दी। जिला कुल्लू के ताइक्वांडो बोर्ड के महासचिव व कोच बच्चों के साथ रहेंगे। जिला कुल्लू के ताइक्वांडो बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमती नीलम शर्मा, चेयरमैन श्री वेद प्रकाश, वाइस चेयरमैन श्री तीर्थराम भी इस अवसर पर मौजूद रहकर बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। सेकेंड टोगा नेशनल मार्शल आर्ट जो कि काठमांडू नेपाल में होने जा रहा है, जिसमें हमारे कुल्लू के 5 बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, और इनका जो नेशनल टूर्नामेंट होता है वो धर्मशाला में हुआ था 10 नवंबर से 12 नवंबर, जिसमें कि जो हमारे गोल्ड मेडल है वो इंडिया को प्रेजेंट करेंगे। और ये टूर्नामेंट काठमांडू में 11 से 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि ये मेडल लेके आए और अपने ज़िले का, राज्य का और देश का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम आकृति है और हम यहाँ पे एसपी मैम से मिले और उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी। हम काठमांडू नेपाल में जा रहे हैं जहाँ पे कि इंटरनेशनल हो रहा है, और हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और हमें यही उम्मीद है कि हम मेडल लेके आए आगे और इंडिया का नेम रोशन करें। हमारे कोच का नेम मिस्टर रुद्रचंद है और वो हमें बहुत ज़रा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बुधवार सुबह नव चेतना स्पेशल स्कूल में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्लू वैली अस्पताल से आई डॉक्टर श्रेया ने सभी बच्चों के दांतों का चेकअप किया तथा दांतों से जुड़ी समस्याओं से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह के कैंप आयोजित होते रहेंगे और संस्थाओं को सेवा का मौका देते रहेंगे। इस कैंप में कुल 23 विशेष बच्चों के दांतों का चेकअप किया गया।
स्टार्ट। मेरा नाम रक्षा और मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ और नवचेतना स्कूल में आज बच्चों का कैंप लगाया गया, जिसमें कुल्लू वैली हॉस्पिटल से डॉक्टर आए जिन्होंने बच्चों के दांत चेक किए और दांत चेक करके उन बच्चों को कुछ दवाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट की। सभी बच्चों का दांतों का आज स्कूल में चेकअप हुआ। रखरखाव थे उनको दांत निकालने के लिए डॉक्टर ने सलाह दी और जिन बच्चों के दांत ठीक थे उनको रेगुलरली ब्रश करने के लिए सलाह दी और आज स्कूल में 23 बच्चों के दांत चेक किए गए। कुल्लू वैली हॉस्पिटल से आए, ये हमारा फर्स्ट कैंप है, ये हम नवचेतना से, ये फ्री कैंप है, डेंटल कैंप जो है फ्री कैंप है और हमने यहाँ पर टोटल जो है 23 स्टूडेंट्स हैं जिनका हमने चेकअप किया है। जो नवचेतना है वो मेंटल रिटायर्ड स्कूल स्पेशल स्कूल है और ये हमने थोड़े सैंपल वगैरह भी दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों के बहुत ही एक्सेस में निदान खराब थे, उनको एक्सट्रैक्शन के लिए हमने जो उनके पेरेंट्स आए थे उनको रिकमेंड किया है कि फर्दर आप कुल्लू वैली हॉस्पिटल में अगर करवाना चाहें चेकअप वगैरह जो फर्दर प्रोसीजर होता है वो करवा सकते हैं। और कईयों के जैसे ट्रीटमेंट थी ऑर्थो ट्रीटमेंट भी थी, उनको भी हमने रिकमेंड किया है पेरेंट्स को कि आप आके अपना जैसा टाइम निकाल सकते हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट करवा। मेरा नाम रजनी, मैं नवचेतना स्कूल में स्पेशल टीचर हूँ। आज हमारे स्कूल में दंत चिकित्सक का कैंप लगाया गया जिसमें बच्चों के दांतों की जाँच की गई और इसमें कुल्लू वैली हॉस्पिटल से डॉक्टर आई थी और उन्होंने बच्चों की जाँच की और बच्चों को बताया कि उनके दांतों में किस तरह का मतलब रोग लगा हुआ है और उसके लिए क्या उपचार किया जाना चाहिए, बताया गया कि क्या क्या करें और उनके पेरेंट्स को बताया गया कि वो आगे उन बच्चों को किस तरह से उनकी देखभाल करें।